अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आज हम गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी का जो पेपर हमारा लास्ट में आया था, लास्ट ईयर 2020 में, हम उसका एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि वो पेपर किस तरह था और हमें किस तरह से अटेम्प्ट करना चाहिए था। जिनका पेपर कल गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी के लिए, तो वो ज़रूर देखेगा। एंड आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे हो रहे होंगे। एंड गुड लक फॉर टुमारो। लेट्स स्टार्ट। ये पेपर क्या था, हम इसका पेपर देखते हैं। 2022 का 2020 का पेपर है, ठीक है। इसमें अब हम देखते हैं कि क्या चीज़ें, और जो चीज़ें इंपॉर्टेंट मुझे लगेंगी, या जो स्टडी मटेरियल होगा वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी उनके लिंक्स, तो आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा, ठीक है। अब इसमें पहला क्वेश्चन था, 20 मार्क्स का तो ऑब्जेक्टिव होता है, तो वो तो आप लोगों ने अगर थॉरली स्टडी किया हुआ तो वो ऑब्जेक्टिव आप लोग इंशाल्लाह ताला ज़रूर उसको कर लेंगे। अच्छा, अब इसमें हम देखते हैं कि पेपर ये किस तरह का था, और इससे आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि कल का पेपर भी जिस तरह आएगा उसको आपने अटेम्प्ट कैसे करना है, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन है जी, केराला का जो गवर्निंग मॉडल है, केराला का हमारे पास एक प्रॉपर टॉपिक है, ठीक है। तो नथिंग इज आउट ऑफ सिलेबस, उस कोर्स आउटलाइन में हमारे पास ये इंडिया का गवर्निंग मॉडल है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। उसमें एक थ्योरी ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड है, जैसे लोकल गवर्नमेंट्स हमारी चलती हैं, तो ये भी डिसेंट्रलाइज्ड डेवलपमेंट उस तरह उन्होंने बात की है। तो आपने वो केराला का मॉडल देखने के, वो मॉडल क्या है, गवर्निंग मॉडल, ठीक है। और फिर उसको आपने इवेलुएट करना है, ठीक है। इवेलुएशन में, क्रिटिकली इवेलुएशन में, आप हमेशा स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस बताते हैं। इसमें ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि आपको स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस बतानी है इसमें, तो आपको ये समझ, मतलब याद नहीं करना पड़ेगा, या आपको दिमाग पे जोर नहीं डालना पड़ेगा कि आपको क्रिटिकली इवैल्यूएट करना है तो उसमें क्या है, ठीक है। स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस ही बतानी है आपने जब आप क्रिटिकली इवैल्यूएट करेंगे केराला के मॉडल को, ठीक है। और फिर इस मॉडल को आपने अपने प्रोविंस पे, जो भी है, चारों प्रोविंस में से किसी भी प्रोविंस में, जीबी है, केपी है, पंजाब है, बलूचिस्तान से, कोई भी जो भी है, उस प्रोविंस में आपने देखना है कि ये कितने, किस हद तक फीजिबल है, ठीक है। उसके प्रोज एंड कॉन्स के साथ आपने उसको अपने प्रोविंस पे अप्लाई करना है, और फिर उसके आपके प्रोज एंड कॉन्स आपको बताने हैं, ठीक है। इसका जो लिंक है ना, जो केराला का मॉडल है पूरा, मैं वो आपको दे दूंगी, आप वहां से स्टडी करेंगे, फिर आपको पता लग जाएगा। क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा है कि मोरलेस आ जाता है पेपर में, पांच पेपर्स भी देखेंगे तो उसमें भी कहीं ना कहीं दिया होगा, तो आप इसको देख लें। क्योंकि एक बहुत फेमस सा मॉडल है केराला, एक छोटा सा शहर है इंडिया में, तो उन्होंने अपनी डेवलपमेंट खुद ही से की है, ठीक है। हर चीज़ का एजुकेशन सिस्टम है, टूरिज्म वगैरह जो कुछ भी है, उन्होंने अपने ओन पे वो सारा डेवलप किया, तो बड़ा वो गुड गवर्नेंस में भी आता है और डिसेंट्रलाइजेशन में भी उसका जिक्र आ जाता है। नेक्स्ट है जी, सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस ऑफ थॉट्स ऑन ब्यूरोक्रेसी, वुड्रो विल्सन का और मैक्स वेबर का। अब आपको चार जो हमारे थेरिस्ट हैं, इसमें आपको पता है कि उनकी थेरीज क्या है चारों की, विल्सन की, वेबर की, कार्ल मार्क्स की और जे एस मिल की, ठीक है। तो उसमें सब उसने पूछा है कि दो का आपने कंपैरिजन करना है, सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस बतानी है, और फिर आपने देखना है कि इनका लिंक बताना है, ठीक है। एक तो आपने बता दिया इनकी सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस, अब आपने देखे क्वेश्चन को ब्रेक डाउन कैसे करना है। पहले आपने ब्यूरोक्रेसी को बताना है कि ब्यूरोक्रेसी क्या है, ठीक है। देन यू नीड टू डिस्कस अबाउट द ब्यूरोक्रेसी ऑफ विल्सन एंड मैक्स वेबर, फिर आपने इनकी सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस बताने हैं, ठीक है। एक सिमिलैरिटी एक हेडिंग डालेंगे, उसमें बता देंगे दोनों के, और कोशिश करें कि आप मार्कर यूज करें ताकि आप उसको हाईलाइट कर सकें। एंड देन यू नीड टू डिस्कस अबाउट द डिफरेंसेस, और फिर आपने क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट में बताना है लिंक बिटवीन देयर थॉट्स एंड पोलिटिकल सिस्टम, थॉट्स और पोलिटिकल। अब जो विल्सन थे वो यूएस प्रेसिडेंट थे, और वेबर जो हैं वो जर्मनी के हैं, तो अब उनके पॉलिटिकल सिस्टम्स और उनके थॉट्स में क्या है, ठीक है, उनके कंट्रीज के अकॉर्डिंगली, दैट हैड एक्सपीरियंस इन देयर कंट्रीज, उनके पॉलिटिकल सिस्टम और उनके थॉट्स के बारे में आपने बता देना है, ठीक है। देखें ये जो है, ये वेबर का आपने बताना है कि वेबर के 6 करेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है। मैं आपको सिर्फ जेनेरिक से बता रही हूँ, बाकी इन डिटेल आपने पढ़ा हुआ है तो डेफिनेटली आपको, क्योंकि मैंने अभी ये सब्जेक्ट स्टार्ट नहीं किया, तो अभी मैं सिर्फ जो है ना आपको पास्ट पेपर जो था उसका बता रही हूँ, ताकि आप कल को जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने लगे कल, जब आपको पेपर देंगे, तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि आपने पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है, ठीक है। अभी मैक्स वेबर की ये जो है, ये उसने दिए हैं जो वेबर की थ्योरी है, ठीक है। और ये जो थोड़ी सी बात इसने की है, तो इसमें उसने बात की है
जो विल्सन के कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इसको क्लासिकल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी कहते हैं, क्योंकि विल्सन ने जो बात की है वो एडमिनिस्ट्रेटिवली भी की है और पॉलिटिकली भी की है। एंड ही वाज लाइक एडमिनिस्ट्रेशन को आपने पॉलिटिकल थॉट से सेपरेट रखना है, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव क्वेश्चंस आर नॉट पॉलिटिकल क्वेश्चंस। तो आपने एडमिनिस्ट्रेटिव इज ऑल अबाउट मैनेजमेंट, और पॉलिटिकल क्योंकि हमारे यहाँ पे ये इनका फ्यूजन भी आगे वो बात करता है ना, फ्यूजन की भी बात करता है कि ये दोनों फ्यूज्ड हुए हुए हैं। आजकल जो चीज चल रही है वो पॉलिटिक्स का बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है एडमिनिस्ट्रेशन में। एडमिनिस्ट्रेशन इज ऑल अबाउट ब्यूरोक्रेसी, और पॉलिटिक्स किसका काम है? गवर्नमेंट का, जो इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है, ठीक है। तो इसमें इन्होंने थोड़ा सा हेयरलाइन डिफरेंस भी बताया कि आपने पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेशन को थोड़ा साइड बाय साइड और सेपरेट लेके चलना है, ऑल्दो ये मोर और लेस सेम ही इन्वायरमेंट में काम करते हैं, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेटिव क्वेश्चंस है दे आर नॉट पॉलिटिकल क्वेश्चंस, सो दे आर नॉट आंसर्ड बाय पॉलिटिकल थीम्स, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस जो है दे मस्ट नॉट टेकन इन द बैकग्राउंड ऑफ पॉलिटिकल कंसिडरेशन, कि आपने एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस जो करने हैं वो पॉलिटिकल कंसिडरेशन में नहीं करने, उसके बैकग्राउंड में नहीं करने, ठीक है, एंड वाइस वर्सा। सो ये थोड़ा सा, और फिर आपने इनका फ्यूजन बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है जी, रोल ऑफ ब्यूरोक्रेसी इन वेरियस स्टेजेस। तो ये तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, अपने ब्यूरोक्रेसी का रोल बता देना। स्टेजेस आपको पता है कि आइडेंटिफिकेशन है, फॉर्मुलेशन है, पॉलिसी एनालिसिस है, पॉलिसी वैल्यूएशन एंड देन पॉलिसी क्लोजिंग जो भी होता है, ठीक है। तो वो 5-6 में आपने बता देना कि क्या है उसका रोल ऑफ ब्यूरोक्रेसी। क्या रोल ऑफ ब्यूरोक्रेसी? ये है कि हर स्टेप पे ही ब्यूरोक्रेट्स की आपको जरूरत पड़ती है। ब्यूरोक्रेट्स कौन है? जो आपके सिविल सर्वेंट्स हैं, जो आपके एडमिनिस्ट्रेशन में काम कर रहे हैं, ये लोग वो हैं जो डायरेक्टली लोकल पीपल के साथ या लोकल पब्लिक के साथ इन टच होते हैं, बिकॉज दे आर द परमानेंट थिंग, ठीक है। ये सिस्टम का वो परमानेंट हिस्सा है जो कि 30 से लेकर 60 साल तक की उम्र तक इन सर्विस होता है, और इसको हर चीज पता होती है। वेयर एज ऑन द अदर हैंड जो हमारी गवर्नमेंट है, इलेक्टेड गवर्नमेंट, या जो पॉलिटिक्स में हम पॉलिटिकल साइड पे बात करते हैं, तो जो हमारी गवर्नमेंट होती है वो 5 years के टेन्योर पे आती है। तो वो एवरी 5 year चेंज होती है, वो नए लोग आते हैं, उन्हें सेटल होने में टाइम लगता है, तो उन्हें ब्यूरोक्रेट्स की जरूरत पड़ती है, ठीक है। सो विदाउट देयर हेल्प दे कांट डू एनीथिंग। पॉलिसी मेकिंग जो है ना, इनिशिएशन ब्यूरोक्रेसी करती है, बिकॉज दे नो द रियल इश्यूज, वहां से इश्यूज जनरेट होते हैं, ठीक है, उनके प्रपोजल्स बनते हैं, एंड देन उस पर जो लॉ मेकिंग होती है, ये जो बिल पास होते हैं वो आपके आके फर्दर गवर्नमेंट में बनते हैं, ठीक है। जब आप उसको लेकर आते हैं, बिल पास करते हैं नेशनल असेंबली में, सेनेट के थ्रू, या जो कुछ भी करते हैं, ठीक है, तो वो आप जो है बाद में आके जो है वो असेंबली में चीजें पास होती हैं, लेकिन काम वो कहाँ से शुरू हो रहा है? वो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, ये ब्यूरोक्रेट्स हैं, ACDC हो गए, या और जो जो होते हैं ना लोग, डिफरेंट हर डिपार्टमेंट के डिफरेंट लोग होते हैं, तो वो अपने रिस्पेक्टिव MNAs, MPAs, या जो प्रोविंशियल असेंबलीज के होते हैं चेयरमैन, या जो जो भी एग्जीक्यूटिव होते हैं, ठीक है, उनको ये बताते हैं कि ये चीज है, इस पर हमें लॉ मेकिंग करनी है, इस पर हमें कोई बिल पास कराना है, तो वो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हैं ब्यूरोक्रेट्स, ठीक है। उसी में पॉलिसी पॉलिसी मेकिंग इनिशिएट जो होती है वो उस लेवल पे होती है, एंड देन वो जाके असेंबली में बिल पास होके तो वो फर्दर फिर प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट्स, और वो जो कुछ भी एक फॉर्मल प्रोसीजर होता है वो होता है, ठीक है। तो रोल ऑफ ब्यूरोक्रेसी का कि आपको आइडेंटिफाई करने में भी उनका हाथ चाहिए या उनका काम होना चाहिए ब्यूरोक्रेट्स का, क्योंकि उन्हें पता है रियल प्रॉब्लम क्या है। फिर पॉलिसी फॉर्मुलेशन में भी, अब पॉलिसी फॉर्मुलेशन में क्या है, क्योंकि उसमें भी उनका रोल होना चाहिए, जस्ट बिकॉज दे नो कि कौन सी पॉलिसी जो है वो पब्लिक को बेनिफिट करेगी, ठीक है। क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया कि ये लोग जो है ये परमानेंट लोग होते हैं, और इनको ज्यादा कोर इश्यूज का आइडिया होता है, किस तरह कोई चीज चलेगी ये भी इन्हें पता है, सो दे बेटर नो कि किस तरह चीजें लेके चलनी है। बाकी लोग जो है 5 years के टाइम पे वो आते हैं टाइम पीरियड में, एंड देन अपना टाइम पूरा करके वो चले जाते हैं। सो दिस इज द डिफरेंस, और इसमें रोल ऑफ ब्यूरोक्रेसी में आई होप इट्स मच क्लियर नाउ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, डिस्क्राइब द एवोल्यूशन ऑफ द पैराडाइम ऑफ गवर्नेंस फ्रॉम विल्सोनियन कॉन्सेप्ट ऑफ द डाइकोटमी ऑफ पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन टू कंटेम्प्रेरी फ्यूजन ऑफ बोथ। अब ये थोड़ा सा टेक्निकल सा सवाल है, ठीक है। एवोल्यूशन ऑफ, अब देखें आपने सवाल को समझना है पहले,
इसमें आपके पास क्वेश्चन है जी, एवोल्यूशन ऑफ पैराडाइम ऑफ गवर्नेंस। पहले आपने देखना है कि जो वुड्रो विल्सन है उनके पैराडाइम ऑफ गवर्नेंस है क्या, ठीक है। फिर उसमें से आपने बताना है एक, क्योंकि उनके जो है ना आई गेस 5 से 6 पैराडाइम ऑफ गवर्नेंस है, ठीक है, 5 से 6 पैराडाइम्स हैं। उसमें से यू नीड टू डिस्क्राइब ओनली द वन जिसमें आप बात करेंगे डायकॉटमी ऑफ पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन। से मैंने ऑलरेडी बात की है कि उन्होंने कहा कि पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन को आपने साथ नहीं मिलाना। जो एडमिनिस्ट्रेटिव क्वेश्चंस हैं वो पॉलिटिकल क्वेश्चंस उनको आंसर ना करें, ठीक है। पॉलिटिकली आंसर नहीं होने चाहिए, पॉलिटिकल बैकग्राउंड में आंसर नहीं होने चाहिए। एडमिनिस्ट्रेटिव क्वेश्चंस को आपने एडमिनिस्ट्रेटिवली हल करना है, ठीक है। सो डायकॉटमी आ जाती है दोनों में। एंड देन टू द कंटेम्प्रेरी फ्यूजन ऑफ बोथ। आजकल क्या चल रहा है, फ्यूजन चल रहा है इनका, ठीक है। अच्छा, मैंने लास्ट क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन नंबर 3 में बता दिया था फ्यूजन का, लेकिन फ्यूजन का एक्चुअली में इसमें है, ठीक है। क्वेश्चन को आपने देख लेना है। एवोल्यूशन ऑफ पैराडाइम क्या हो गया जी, ये आपके सारे एवोल्यूशन ऑफ पैराडाइम, आपको पहले ये तो पता होना चाहिए कि एवोल्यूशन ऑफ पैराडाइम है क्या, ठीक है। व्हेन यू गो टू नो कि एवोल्यूशन ऑफ पैराडाइम है क्या, देन यू विल बी एबल टू आंसर द क्वेश्चन। अब एवोल्यूशन ऑफ पैराडाइम में उसने पूछा जी के विल्सोनियन कॉन्सेप्ट में आपने एवोल्यूशन ऑफ पैराडाइम को डिस्क्राइब करना है। पहले आपने वो सारा थोड़ा सा बता देना है, उसमें आपने पैराडाइम्स भी बता देने हैं कि उसके ये सारे पैराडाइम्स हैं। देन यू नीड टू डिस्कस ओनली अबाउट दिस पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेटिव डायकॉटमी जो कि 1900 से 1926 में तक का टाइम स्पैन में रही है, ठीक है। एंड देन ही रोट अ बुक, नाम था द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, ये उन्होंने लिखा था। ये बुक थी, आपने जिक्र कर देना ताकि एग्जामिनर को पता लगे कि आपको आता है कुछ ना कुछ, ठीक है। तो ये आपने बुक का थोड़ा सा जिक्र कर देना। तो आपने बस उसमें फिर पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन की डायकोटमी के बारे में डिस्कस करना है। एंड टिल देन द जो है फ्यूजन ऑफ कंटेम्प्रेरी फ्यूजन ऑफ बोथ, आजकल किस तरह चल रहा है, पहले डायकोटमी और आप आजकल जो है इसकी फ्यूजन चल रही है, ठीक है। इस तरह आपने क्वेश्चन को हल करना है। सो इसमें दो पार्ट्स आ जाते हैं। पहला आ गया कि आपने पैराडाइम डिस्कस करने हैं, एवोल्यूशन ऑफ पैराडाइम क्या है। एंड देन यू नीड टू डिस्कस अबाउट वन ऑफ इट्स पैराडाइम जिसमें पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन की डायकोटमी है, टिल देन द कंटेम्प्रेरी फ्यूजन। गॉट इट। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, इट्स अबाउट द कॉमनैलिटीज, क्वेश्चन नंबर 6 है, कॉमनैलिटीज एंड डिफरेंस इन द टेनेट्स ऑफ गुड गवर्नेंस। गुड गवर्नेंस सबको पता है जो इंडिकेटर्स हैं उसके, लेकिन इसमें उसने बात की है वर्ल्ड बैंक, एडीबी एंड डीएफआईडी, इन तीन का उसने पूछा है। अब डेवलपमेंट बैंक इज ऑल अबाउट डेवलपमेंट, ठीक है। वर्ल्ड बैंक इज ऑल अबाउट कि आपका स्टेट किस तरह चल रही है, गवर्नेंस किस तरह हो रही है, गवर्नमेंट किस तरह चल रही है, ठीक है, रूल ऑफ लॉ एंड ऑल दीज थिंग्स। डेवलपमेंट में आपके पास आ जाता है कि पावर्टी एलिविएशन और डेवलपमेंट जो है लोगों की डेवलपमेंट के बारे में, एंड डिपार्टमेंट फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, ठीक है। इन तीनों में क्या आपके कॉमनैलिटीज हैं गुड गवर्नेंस के और डिफरेंस है, ये बहुत एक सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें कोई इतनी स्ट्रे वो हाई फाई बात नहीं है, ठीक है, रॉकेट साइंस नहीं है। 12 नंबर का ये सवाल है, इसमें उसने कॉमनैलिटीज और डिफरेंसेस पूछे हैं। देन इसका सेकंड पार्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ गुड गवर्नेंस इज यूबिक्यूटस इन डेमोक्रेटिक स्टेट्स, व्हाट इज द रोल ऑफ द वर्ल्ड बैंक इन द प्रमोशन ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। तो वर्ल्ड बैंक का ही बहुत मेजर कॉन्सेप्ट है प्रमोशन में, बिकॉज इनिशियली जब बहुत पहले जब ग्लोबलाइजेशन स्टार्ट नहीं हुई थी तो उस टाइम पे ग्लोबलाइजेशन नहीं थी, तो हर स्टेट अपने अपने अकॉर्डिंगली चलती थी, ठीक है। विद टाइम जब डेवलपमेंट हुई है, ठीक है, चीज़ें बढ़ी हैं, बहुत सारे फैक्टर्स इसमें इन्वॉल्व हैं, ठीक है, बहुत सारे फैक्टर्स जिसमें आपके पास जो है ना आप कह लें कि ग्लोबलाइजेशन का भी फैक्टर आता है, क्लाइमेट चेंज का भी फैक्टर आता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन का भी फैक्टर आता है, टेक्नोलॉजी का भी फैक्टर आता है, एंड देर आर मच मोर अदर फैक्टर्स। कि इन सब की वजह से ना जब आप देख रहे हैं कि एक स्टेट ज़्यादा फ्लरिश कर रही है और एक स्टेट नहीं फ्लरिश कर रही, ऑल्दो आपके पास वही रिसोर्सेज हैं, बट देर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन द एडवांसमेंट इन सम कंट्रीज ना, कहीं पे ज़्यादा है कहीं पे कम है। तो उस टाइम पे जो है ना ये गुड गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट जन्म लेता है कि सब चीजें इक्वल हैं,
टेक्नोलॉजी है, डेवलपमेंट है, रिसोर्स है, एवरीथिंग इज जस्ट इक्विलिब्रियम ना, इन इक्विलिब्रियम. बट देयर इज समथिंग, कुछ कमी है, कुछ वो चीज नहीं है जो कहीं डेवलप्ड एरियाज में हो रही है, डेवलप्ड कंट्रीज में हो रही है. जो अंडर डेवलप्ड है वहां पे किसी चीज की कमी है. तो वो किस चीज की कमी है? दैट इज ऑल अबाउट गुड गवर्नेंस, कि वहां पे गवर्नेंस की या गुड गवर्नेंस की कमी है. तो फिर ये जो इंडिकेटर्स है ना, ये उस वक्त आते हैं कि देर आर टू थिंग्स, डूइंग द राइट थिंग एंड डूइंग द थिंग्स राइट. ठीक है, ये दो बहुत हेयरलाइन डिफरेंस है दोनों में. डूइंग द थिंग्स राइट एंड डूइंग राइट थिंग्स. हम डूइंग राइट थिंग्स तो करते हैं, हम सही चीजें करते हैं, लेकिन हम चीजों को सही नहीं करते. तो हमें क्या करना है, हमें चीजों को सही करना है. ठीक है, अगर आप सही चीजें करेंगे तो भी आप अच्छा करेंगे, प्री डिफाइंड एजेंडाज आप बनाएंगे. लेकिन अगर आप चीजों को सही कर लेंगे ना, जो ऑलरेडी चीजें हैं आप, अब आप उनको सही कर रहे हैं ना, तो भी ये इफेक्टिव होगा. तो ये इसमें कॉन्सेप्ट आ जाता है गुड गवर्नेंस का. बाकी आप इसको जो है ना मजीद देख सकते हैं, अपने अकॉर्डिंगली इसको लिख सकते हैं. वो इसमें इन्हीं मेजर जायंट जो इंस्टीट्यूट्स हैं, जिसमें वर्ल्ड बैंक भी आ जाता है, इनका भी काम है कि इन्होंने ये इंडिकेटर्स बनाए, इन्होंने कॉन्सेप्ट गुड गवर्नेंस का दिया और इसको प्रमोट किया. ठीक है, उन्होंने फिर ये भी रखा कि मतलब ये चीजें होंगी तो देन वी विल नेम दिस स्टेट एज अ गुड गवर्नेंस वाली स्टेट. ठीक है, और मतलब हम इनके साथ जो है मजीद अच्छे टर्म्स एंड कंडीशंस पर आएंगे. तो इस तरह की चीजें हैं इसमें, प्रमोशन इन्होंने इसी तरह की. अच्छा, लास्ट में सेकंड लास्ट क्वेश्चन है जी, रैशनल चॉइस थ्योरी. ये थ्योरीज का हमारे पास एक बहुत मेजर पार्ट आता है, जिसमें हमारे पास 3, 5 से 6 आई गेस थ्योरीज हैं. इसमें वन ऑफ द फेमस थ्योरी इज रैशनल चॉइस थ्योरी. उसके बारे में उसने पूछा हुआ है कि हाउ इज द इंस्टीट्यूशन ऑफ ब्यूरोक्रेसी डिस्क्राइब्ड रैशनल चॉइस थ्योरी में. अब रैशनल चॉइस थ्योरी क्या है कि इट्स ऑल अबाउट, देखिए हम इस वर्ड से भी समझ में आ रहा है ना, आपने रैशनल चॉइस थ्योरी लाइक रैशनल होके सोचना है और किसी भी चीज को चूज करना है तो रैशनली चूज करना है. ठीक है, सो उसके बारे में आपने फिर बताना है इन टर्म्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी. सही, अब इसमें आपने डिस्कस करना है रैशनल चॉइस थ्योरी को इन टर्म्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी. इसमें आप बताएंगे कि जी रैशनल चॉइस थ्योरी क्या है, कि जो इंडिविजुअल होते हैं दे आर रैशनल एजेंट्स और वो रैशनली ही चीज़ों को लेके चलते हैं. गवर्नेंस के भी डिसीजन हैं या पॉलिसी मेकिंग है, तो वो रैशनली चीज़ों को विच मैक्सिमाइजेज द प्रेफरेंसेस. ठीक है, जिसमें आप इंडिविजुअल प्रेफरेंसेस हैं उनको आप मैक्सिमाइज करें और यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करें या कंज्यूमर प्रेफरेंसेस को मैक्सिमाइज करें इन टर्म्स ऑफ, अगर हम इकोनॉमी के रिलेटेड बात करते हैं. तो ब्यूरोक्रेसी में भी यही है कि ब्यूरोक्रेट्स क्या होंगे कि जब व्हेन दे नीड टू मेक सम लॉज और रूल्स बनाने हैं तो वो क्या करेंगे, वो रैशनली सोचेंगे कि जो मैक्सिमम आउटपुट दे रहा है ना, उस तरह वो चीज़ों को लेके चलेंगे. ठीक है, उस पर रैशनलाइज करेंगे कि कौन से पॉलिसी से, कौन से डिसीजन से उनका जो यूटिलिटी है या जो कंज्यूमर प्रेफरेंस जो है, किस चीज़ से मैक्सिमम आपको फ़ायदा मिल रहा है. ठीक है, इस तरह वो लेके चलेंगे. सो इस तरह आपने इसमें डिस्कस करना है. देन देयर इज द सेकंड पार्ट जिसमें आ रहा था, व्हाट आर द लेसंस दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द रैशनल चॉइस थ्योरी फॉर रिफॉर्मिंग पाकिस्तानी ब्यूरोक्रेसी. आपने रैशनल चॉइस थ्योरी पढ़ी हुई है, उसमें जो आपके लेसंस हैं, लेसंस लर्न, उसी को आपने पाकिस्तानी ब्यूरोक्रेसी के साथ या पाकिस्तान ब्यूरोक्रेसी के साथ मिक्स एंड मैच करना है, आपने उसको रिफॉर्म करना है. फॉर एग्जाम्पल, जैसा हमें उसमें लेसन मिलता है कि रैशनल चॉइस थ्योरी में हमें लेसन मिलता है दैट वी नीड टू वर्क ऑन, कह सकते हैं कि हमारी पाकिस्तान में क्या है कि हम इंडिविजुअल लाइक हम सेल्फ ओरिएंटेड चीज़ें लेके चलते हैं. अगर हम पॉलिसी भी है तो हम देखेंगे कि जो हमारे सर्कल को फ़ायदा दे रही है, हम वो पॉलिसीज बनाएंगे, हम पब्लिक को, पब्लिक इंटरेस्ट को छोड़ देते हैं. तो दैट्स हाउ वी रिफॉर्म द पाकिस्तान ब्यूरोक्रेसी, कि हमें रैशनल चॉइस थ्योरी में हमें रैशनली देखना है कि जो पब्लिक को फ़ायदा दे रही है, जो मैक्सिमम कंज्यूमर को फ़ायदा दे रही है, आपने वो पॉलिसीज या वो रूल्स या वो उस तरह की आपने पॉलिसी मेकिंग करनी है. ठीक है, तो इस तरह आप डिफरेंट एग्जाम्पल्स दे सकते हैं. देन फाइनली यू हैव अ क्वेश्चन जिसमें आपने एक पॉलिसी एनालिसिस, अब देखें आपने देखना है ना क्वेश्चन, अब ये पॉलिसी पूरा आपको नहीं फॉर्मुलेट करना. ठीक है, इसमें आपने क्या करना है, क्या वो कह रहा है कि आपको कोई भी अपना एक पॉलिसी सेक्टर ले लें
कोई भी सेक्टर है, फॉर एग्जाम्पल आप एजुकेशन सेक्टर लेते हैं या टूरिज्म सेक्टर लेते हैं या आप हेल्थ सेक्टर ले लेते हैं, एनी सेक्टर ऑफ योर चॉइस, आपने उसमें क्या डालना है, उसमें फॉलोइंग कॉम्पोनेंट्स हैं पॉलिसी एनालिसिस प्रोसेस के, ठीक है। एनालिसिस, अब आपने देखने कि सिर्फ आपने एनालिसिस प्रोसेस वाला जो है ना, क्या आपने पॉलिसी, आपके पास फॉर्मुलेशन है, आइडेंटिफिकेशन, फॉर्मुलेशन, एनालिसिस, इवैल्यूएशन, इस तरह के बस डिफरेंट आते हैं ना पॉलिसी मेकिंग में आपके स्टेप्स आते हैं, तो उसमें से आपने, उन्होंने सिर्फ उठाया पॉलिसी एनालिसिस। पॉलिसी एनालिसिस में उसने आपको ये चार स्टेप्स दिए हैं, कॉम्पोनेंट्स दिए हैं कि आपने पॉलिसी ऑल्टरनेटिव्स कंस्ट्रक्ट करने हैं, फिर आपने उन इवैल्यूएटिव क्राइटेरिया चूज करना है, ठीक है, कि किस बेस पे आप, किस क्राइटेरिया पे आप वैल्यूएट करेंगे। कोई भी आपने पॉलिसी बनाई है, ठीक है, उस पॉलिसी के आपने फिर ऑल्टरनेटिव्स कंस्ट्रक्ट किए हैं। एक पॉलिसी है, इफ दिस इज नॉट फीजिबल तो आपके पास प्लान बी, प्लान सी क्या होगा, ऑल्टरनेटिव जो कि फीजिबल ऑल्टरनेटिव होंगे, जो कि ज्यादा नहीं पर थोड़ा बहुत फर्क आएगा, लेकिन आप अगर प्लान ए नहीं ले सकते तो प्लान बी की तरफ मूव करेंगे, प्लान सी। तो इस तरह पॉलिसी वन है, पॉलिसी टू, पॉलिसी थ्री, ये ऑल्टरनेटिव आपने बनाने हैं। एंड देन आपने इनका क्राइटेरिया देखें कि आप इनको किन बेसिस पे, किस बेसिस पे आप इनका जो है ना वैल्यूएट करेंगे, फिर आपने असेस करना है उन ऑल्टरनेटिव्स को, ठीक है, और फिर आपने फाइनली कंक्लूड कर देना है। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर पेपर। इसमें अगर आपने थॉरली स्टडी की हुई, आपने ब्यूरोक्रेसी, क्योंकि देखें पेपर में दो पार्ट आते हैं, एक है गवर्नेंस का और एक है पब्लिक पॉलिसी का, तो समटाइम्स वो पब्लिक पॉलिसी में से बहुत सारी चीजें दे देता है एंड समटाइम्स वो गवर्नेंस में से चीजें देता है, ठीक है। तो इस पर ये वाला जो था ये मिक्स एंड मैच था, पॉलिसी में से आपके पास दो सवाल आए, दो तीन सवाल आए, इसी तरह दो तीन सवाल गवर्नेंस में आ गए, तो लाइक इक्वल हो गया ना। तो आप कोई भी पार्ट ऐसे नहीं कर सकते कि आप छोड़ें, नहीं छोड़ना कुछ भी नहीं है, ये सब्जेक्ट ऐसा है कि अगर आप इसको बहुत अच्छे तरीके से कर लेते हैं ये आपको स्कोर भी देता है, और ये सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग अगर अच्छी है ना तो ये बाकी सब्जेक्ट्स में भी या ओवरऑल सीएसएस में भी आपको हेल्प बहुत ज्यादा करता है। सो आई होप कि मेरा जो मैंने आपको बताया है आपको समझ में आया होगा कि पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है। सो गुड लक फॉर टुमारो, कल अल्लाह करे आप लोगों का पेपर बहुत ईजी आया, बहुत अच्छा भी आया है, एंड डू लेट मी नो कि पेपर किस तरह का था एंड आप सबका कैसा हुआ, ठीक है। सो टिल देन टेक केयर, गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।